अब मुझे लगता है ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर नंबर ये 2008 का पेपर और 2009-10 का। तो आपको भी पता है कि 7 तक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे 2008 और 2009-10, यानी कि 9-10 में एक ही पेपर हुआ था और ये दूसरा पेपर है 2008 का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए आपके साथ में अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एक ऐसा ये टीचर मिल गया है जो जिसकी स्पीड नेचुरली है, वो खुद ही नेचुरल स्पीड में मतलब ये कि बोलता है, कोई इसमें कोई डबल स्पीड है 3 की स्पीड नहीं लगाता है, सही है कि नहीं। तो इससे होता क्या है कि आपका लास्ट के टाइम में टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है। कुछ आप देखोगे यूट्यूब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बताने बताने में 3 मिनट ले जाएंगे कि हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान PCS यानी कि RASRTS और प्रीलिम्स परीक्षा 2008। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ में, हम भाई स्पीड से चलते हैं। अगर स्पीड में होता क्या है कि अगर कुछ क्वेश्चन में एक दो में क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो आप नीचे करेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि सर आपने इस क्वेश्चन का ये बताया था। क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं प्रवीण भाई, तो वो उन्होंने बहुत गुस्से में कमेंट किया था कि सर आप गलत सलत ये बता जा रहे हो आपके एक क्वेश्चन उसका। तो देखिए उसमें प्रवीण भाई क्या हुआ था कि उसमें प्रिंटेड मिस्टेक थी बुक में। तो अब होता क्या है कि जल्दी जल्दी भी तेज कराने के चक्कर में 200 क्वेश्चन हमने एक घंटे में करा दिए आपको लास्ट क्लास में। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। तो देखिए हमारा मकसद ये नहीं कि जो ऑलरेडी प्रीलिम्स के टॉपर है तो उनके तक ये वीडियो पहुंचाई जाए। हमारा मकसद है उन बच्चों तक पहुंचना जो अभी भी गांव क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वहां तक ये बुक्स नहीं पहुंच पाती हैं या किसी कारणवश वो बुक को नहीं परचेज कर पाते हैं। लेकिन उनके पास में कैसे छोटा मोबाइल या किसी के आसपास में मोबाइल देखने से या फिर लैपटॉप में कहीं कोई भी साधन है उसमें देखने से वो ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए सीधी सी बात है भाई कि अगर आपको कुछ चीज़ बोलनी है तो आप प्यार से बोल सकते हो कि सर आपने इस क्वेश्चन का ये बताया था, या आपको कुछ चीज़ लग रही है तो आप सीधा सा कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो हमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं। पहली बार में हम ये राजस्थान का प्रीलिम्स का पेपर कराने जा रहे हैं। पहली बार में हमने BPSC के अभी पेपर कराए थे, उसके बाद में RO ARO के पेपर आप देख रहे हो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है सारी स्टेटों का लेके, तो टीम नई नई है अभी, तो उस पर भी आप थोड़ा सा बिलीव करके चलें। क्योंकि कहीं से भी हमें कोई भी फंड वगैरह, कुछ भी पैसे वगैरह, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और ना ही हम चाहते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी हो, और ना ही हम कभी भी लाइफ में आप देखना कभी भी फंडेड वंडेड का कुछ भी कोई सीन नहीं रखने वाले हैं कि कहीं आप मतलब कहें कि सर आप तो पहले ये कहते थे और आप बाद में ये करने लगे। ये एक ट्रस्ट है हमारा, जो हमने बोल दिया वो होगा 100%। क्लियर है? कभी भी कोई भी कोर्स लेकर आएंगे हम, कितने भी कैसे मेंस का प्रीलिम्स का लेकर आएँ, तो उसमें कभी भी हम कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं किसी से नहीं करने गए हैं। हमारा पर्पज है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक पहुँचना है। क्लियर है? सीधी सी बात है, अपना कोई लालच नहीं है, किसी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है, अपना खुद से कर रहे हैं। 4-5 लोग मिले हुए हैं टीम में और उनमें 2-3 लोग सिलेक्टेड है। तो अब यह है कि भाई आप लोगों तक कैसे कैसे हमारा मतलब जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुँचे, तो इनके माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या फिर मैगजीन के, या फिर करंट अफेयर के, या फिर अदर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप भी हमारे भाई बंधु हैं, ऐसी बात नहीं कि मतलब कि क्या हम अलग से एलियन टाइप के आगे क्या, कुछ लोगों का होता है भाई बस सर्विस करनी है। देखिए हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर मेंस की टेस्ट सीरीज हम कभी चालू करेंगे प्रीलिम्स के बाद में, तो उसका देखिए उसका कहता रहता क्या कि प्रिंटेड वगैरह में या फिर उसकी कॉपी चेक करने वगैरह में अलग से फैकल्टी हायर करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर 20-30-50 लोग होंगे तो हम उनका ऐसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री में कंडक्ट करा देंगे। लेकिन अगर 100 के अगर ऊपर बच्चे जाएंगे तो उसके लिए नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा, तो आपको सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से ऋषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ से प्राप्ति हुई थी, ये आपकी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अब आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन सी नदी के, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन से, राइट साइड में ये स्थित है। कहाँ पर, लरकाना जिले में, और कहाँ पर, ये सिंध प्रांत में। अब देखिए अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी 1922 में, इसके द्वारा की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब, 1992 में। अब आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा की लोकेशन क्या है। देखिए
पी वाई क्यू को करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको न सिर्फ उस ऑप्शन को अच्छे से करना है, बल्कि आपको इन चारों के बारे में भी फैक्ट इकट्ठे करने चाहिए। जिस भी बुक से पढ़ो, जो भी बुक आप लेते हुए खरीदते हुए देख लो, तो पहले उसके देख लो कि उस बुक में उन अदर ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में कितनी जानकारी दे रखी है। अगर उनमें अच्छे से जानकारी दे रखी है, कोई भी बुक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूथ कंपटीशन की घटना चल गई है, कोई भी, अगर उनमें उन चारों फैक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है, तो आप उस बुक को परचेज करें, क्योंकि काफ़ी बेहतर बुक होती है वो। तो देखिए, हड़प्पा आप जानते हैं कि हड़प्पा भी पाकिस्तान के में ही है, लोथल आप जानते हैं गुजरात में है, यहाँ पर गोदीवाड़ा था, उसके बाद में ये चन्हुद्रोवा बचा, चन्हुद्रो कहाँ पर, ये भारत में स्थित है ये भी। तो अब ये आपको करना क्या है, तो देखिए इसमें हम अगर इस तरीके से फैक्ट को डिस्कस करने लग गए बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगी वीडियो, अब दो पेपर सोल्व करने में फिर 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था। तो आपने देखा होगा गोदावरी की लोकेशन, अगर आप देखोगे गोदावरी की लोकेशन, तो गोदावरी की लोकेशन ये है। अब आप देखोगे अवंती की या फिर ये कम्बोज की बस की लोकेशन इनकी इधर है, तो कौन सा था, ये था अस्मक। कौन सा था, अस्मक था। कहाँ पर था ये, आंध्रा के तट पर था, यहाँ आंध्रा है तो यहाँ पे इसके तट के आसपास था ये, क्लियर है। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी पोरिल। इसकी राजधानी कौन सी थी, इसकी राजधानी थी ये पोरिल, क्लियर है। इसको पोरिल पोरिल या फिर पोतन भी कहते थे, क्या कहते थे, पोतन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्याय के लेखक कौन थे। तो आपको कई बार बता चुके हैं अष्टाध्याय के लेखक कौन थे, पाणिनि थे। कौन थे इसके लेखक, पाणिनि। तो ये क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, क्या है, व्याकरण ग्रंथ है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, तो कौन सी है, वो गंधार कला शैली है, जिसमें भारतीय कला के भी और यूनानी कला के भी दोनों के ये मतलब ये दोनों की कलाएँ पाई जाती हैं, यानी कि दोनों का मिश्रण है ये, क्लियर है। चलिए देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो ये क्या समानता थी, देखिए तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। तो इनका उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य के लिए बने थे, तो देखिए ये आपका पहला क्या था, ये थी बिरहा समाज कब बनी थी, ये बनी थी 1828 में, और बनाई किसने थी, तो ये पता होना चाहिए, तो बनाई थी राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। वहीं अगर बात करते हैं हम रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1897 में, और किसने की थी, ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने, विवेकानंद जी ने ये इसकी स्थापना की थी। और तीसरी आर्य समाज की अगर हम बात करें, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। 1875 में स्थापना हुई थी, किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, क्लियर है। तो आपको तीनों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो देखिए मैं इसकी थोड़ी सी बात की जरा बता देता हूँ कि 1939 का जो INC का सेशन था, एक सेकेंड रुकिए, देखिए कब 1939 का INC का सेशन था, तो इसमें क्या हुआ कि अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरी तरफ कौन से, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो गांधी जी के उम्मीदवार ये थे और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस थे दूसरी तरफ। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे, दूसरी बार में ये चुन लिए गए थे। गांधी जी का कैंडिडेट जो थे ये पट्टाभी सीतारामैया, ये हार गए थे। तो इसी बात को लेकर विवाद मतलब इनमें स्टार्ट हो गया था। तो बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और इनकी जगह नया अध्यक्ष बना दिया गया था, किसे, राजेंद्र प्रसाद को। तब देखिए यहाँ पर विवाद क्या था कि यहाँ पर इनकी जो गांधी जी के कार्यानुसार इन्होंने एक समिति की बनाने की बात की थी, चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव था उसके अध्यक्ष को लेकर गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी इसमें सुझाव देने से इनकार कर दिया था। तो इसी बात को लेकर, यानी कि क्या है इसमें, कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर ये विवाद हो गया था, तो ये इसके चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रांत में सरकार बन सकती है, तो जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होंगे तो वहीं पर मुस्लिम की लीग की सरकार बन सकती है, तो कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है, जो बाद में बांग्लादेश बना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो आप जानते हैं कि केवल और केवल ये गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि मैं केवल केवल कह रहा हूँ कि केवल दूसरे में शामिल हुए थे, ये नहीं कि केवल यही व्यक्ति थे जो शामिल हुए थे इसमें। तो केवल गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने कांग्रेस की तरफ से, पहले में नहीं हुए थे और तीसरे में सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। क्लियर है? तो दूसरे सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, कब? गांधी इरविन समझौता होने के बाद। अब ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका लंदन में, ये समझौता हुआ था। ये क्या हुआ था? ये सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अब कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1931 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन इनमें से किस बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह बनाया गया है, पूछा गया था नहीं पूछा गया था? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत ये स्थित है। तो आपने देखा होगा एटलस पर्वत कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अफ्रीका में भी कहाँ पर? देखिए ये अफ्रीका का अगर मैप बनाएंगे तो उत्तरी साइड में ही ये एटलस पर्वत इधर है। कहाँ पे? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, तीन जगहों पे ये पर्वत फैला हुआ है। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंगुलिया यूनुमा यानी कि फिंगर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। तो ये फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से देशों के बीच ये स्थित है। एक तो एक तरफ कनाडा है, दूसरी तरफ अमेरिका, तो इसके बॉर्डर पर ये लेक स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते। और आप पांच लेकों का नाम बताओ जो अमेरिका में है। तो देखिए एक तो सुपीरियर है, दूसरी मिशिगन है, तीसरी ह्यूरन है, चौथी कौन सी है? इरी है, और पांचवी कौन सी है? ओंटेरियो है। क्लियर है? अब ये देखिए अगर पूछें आपसे कौन सी ऐसी लेक है जो केवल अमेरिका में ही अमेरिका में है, बाकी तो अमेरिका के और इसके बॉर्डर पर हैं, तो मिशिगन एक ऐसी लेक है। आपको बता दूँ मैं जानकारी के लिए कि मिशिगन एक ऐसी लेक है जो केवल ये अमेरिका में स्थित है, इसके साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इसके कनाडा के या मैक्सिको के। चलिए नेक्स्ट चलते। चलिए नेक्स्ट है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पर पाई जाती। तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ना तो ये ज़्यादा ऊपर हो सकती है और ये ना ही ज़्यादा साउथ में हो सकती है। तो इसको एक टेम्परेचर चाहिए इसको कम से कम 22 से लेके 27-28 डिग्री ये सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। क्लियर है? तो उन्हीं क्षेत्रों में ये हो सकती है, कहाँ पर? कर्क और मकर रेखा के तटों के बीच में। तो ये होता क्या है? देखिए ये जो कीड़े ये होते हैं, मतलब ये जंतु होते हैं, तो ये अपने खोलों को उतारते रहते हैं, वहीं पे ये जमाव करते रहते हैं। जमा करते 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 ये क्या बनाते हैं? एक मतलब एक द्वीप टाइप का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है? चलिए जिस तरीके से देखिए हिंद महासागर में आपने देखा होगा इंडियन ओशियन में इसी का एक नतीजा है लक्षद्वीप और आपका कहें मालदीप। ये किसका नतीजा? ये इन्हीं का नतीजा है। किसका? कोरल का ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं। तो ये 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा है, लेकिन आपको बताना 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछें तो केवल कितने शहर थे? तो शहर थे 35। तो 35 इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो 35 के बाद ये तो वैसे गलत हो जाएगा। लेकिन आपको बताना 2011 की जनगणना के अनुसार तो अभी 53 शहर हैं। कितने? 53 शहर हैं जो मिलियन प्लस वाली आबादी वाले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यहाँ पर बात कर रहा केंद्र में द्वैत शासन, तो केंद्र में द्वैत शासन कब आया था यार बता दो कम से कम? तो ये आया था 1935 में। अगर आपसे पूछे प्रांत में द्वैत शासन कब आया था, तो प्रांत का द्वैत शासन आया था 1919 के एक्ट में। तो ये यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे ये खत्म कर दिया गया था, यहाँ पे प्रांत में 1935 में और केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया था। आपको बताने देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, केंद्र में कब स्टार्ट हुआ 1935 में और प्रांत में कब स्टार्ट हुआ 1919 में। लेकिन प्रांत में ख़त्म कर दिया गया था कब? 1935 में ख़त्म कर दिया गया था, उसकी जगह केंद्र में स्टार्ट किया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण बे आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। तो आपको पता है देखिए चारों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, तो कौन सा आर्टिकल के अंतर है? यह है आर्टिकल 355 के अंतर्गत। लेकिन वहीं पर बात करें अगर 356 के अंतर्गत क्या है, तो आपने देखा होगा कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्या? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है यहाँ पे। क्लियर है? यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है।
वहीं पर बात करें यहाँ पर, ये 352 क्या है, तो 352 में ये आपात की घोषणा की जाती है। किसकी? आपात की घोषणा की जाती है। अगर बात करें 366 की, तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य चेतना ट्रस्ट हैविल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सर ये DSCL कोटा, श्रीराम आयु, ये कॉरपोरेट संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सबको बताना है, तो ये मिड डे मील यानी कि मध्य भोजन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल में एंजोला एनोबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ये चावल में की खेती में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है वो बताना है आपको। देखिए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि किंतु बिंदु से बिंदु आधार पर, तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, तो इस टाइम पर इसके आधार पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा इसमें मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये बात भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये बात गलत है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा कथन है सत्य है बताना है आपको। तो देखिए, वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है ना कि बैंगनी, तो आपका यही स्टेटमेंट जो है गलत है। क्लियर है? तो क्यों गलत है? देखिए, बैंगनी तरंगों का जो ये प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंगों का सबसे कम होता है। क्लियर है? तो इसलिए गलत है, इसमें ये उल्टा लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? किसका? तो एथीन का किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में एथीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान आता है? अगर दूध दही की कुछ भी बात आए तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल दिखाई दे, तो आपको वही टिक करना है। वहीं पर बात करें एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल का संबंध होता है सिरके से। किसे? सिरके से। सिट्रिक की बात करें तो सिट्रिक खट्टे फलों से संबंधित होता है। मौलिक अम्ल की अगर बात करें तो कच्चे सेब से में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अगर वहीं पर हम इमली की बात करें तो इमली में आपके टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल। तो इनको चारों को भी इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है। दूध से दही की बात हमने बता दी कि लैक्टिक अम्ल होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है कि मोती मुख्यतः बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। चलिए नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन है? देखिए, उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन जमाव बिंदु उसका घट जाता है। क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिनीमाता रोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? पारे की वजह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियो पेटेरिक्स नेम किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो किसके? सरीसृप पक्षी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? देखिए, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, धीरे धीरे बाद में अनुकूलित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहमत पूर्वज थे किसके? हाथी के पूर्वज थे। चलिए नेक्स्ट है, जैव आवरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जब होता क्या है कि पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ जाना, तो उसे जैव आवरण कहते हैं। तो हो सकता है इसे समझ में नहीं आया हो। देखिए, ये सपोज करो ये कोई बत्तख वगैरह है, क्लियर है, इसने कुछ खाया, यहाँ से कोई जहरीली चीज़ खाई, इसने खा ली, उसके बाद बत्तख को खा लिया किसी और ने, तो जहरीली चीज़ यहाँ से इसमें भी आ गई, तो ये जो ये हो रहा है यहाँ से जहरीला पदार्थ जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपका जैव आवर्धन है। तो क्या कह रहा है? देखिए, पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। क्लियर है? अब समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। तो क्या होता है? देखिए, अगर कोई ये लिंग ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इसके माध्यम से, फेरोमोन्स के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसे सेक्स फेरोमोन्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पराजिनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है। तो इस पर गोल्डन राइस भी कहते हैं। अगर आपसे गोल्डन राइस पूछे तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पर्यावरण परिस्थिति से देखते हैं कि किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाया जाता है? तो किसका? डायटम के डूबने से मृत्यु का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो देखिए, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जब भी पूछा जाए आपसे, तो समुद्री सबसे स्थायी परितंत्र है। तो नेक्स्ट है, फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा
ये स्वच्छ करती है, तो स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र भी देख लो आप, तो इसका रासायनिक सूत्र यह है K2SO4Al2SO4 3.24H2O। क्लियर है। अब इसका रासायनिक नाम अगर फिटकरी ना देगा, ये पूछ रहा था पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं, और बाकी और दो और हैं, ठीक है, चार हैं यहाँ पर भारत में। तो कौन कौन से, देखिए यहाँ पर हिमालय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और सोंडालैंड हो गया। ठीक, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर दो की बात की गई है। देखिए पश्चिमी हिमालय आपने वैसे काट दिया, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होना। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, तो ये जॉइंट पांडा है। इसका प्रतीक क्या है, जॉइंट पांडा। ये बना गया तब, ये IUCN में था 1961 में। और ये रिपोर्ट कौन से निकलता है, ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। क्लियर है। इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, ग्लेंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो कौन सी प्रक्रिया, उत्क्रम पराशरण द्वारा ये बदला जा सकता है, यानी कि रिवर्स ओस्मेसियस द्वारा बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का जीके देख लेते हैं कि सही पर आपको चिन्ह लगाना कि कौन सा इनमें से सही है। तो पहला ये देखिए, सिमको माल डिब्बा कारखाना भरतपुर में 8 वर्ष के बाद पुनः शुरू हो गया है, तो यही बात ठीक है पहली, तो हम बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आर्थिक मामलों के सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है, इस संगठन का नाम क्या है। देखिए किसके लिए, आर्थिक मामलों के सुधार के लिए, तो आपको पढ़ते हुए भी और क्वेश्चन करते हुए भी दोनों को केयरफुली ध्यान रखना है। तो किसको नियुक्त, देखिए आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो ये बाढ़ कहाँ पर आती है, तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन फिर पूछ लिया है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है, तो अजमेर में आती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। एक विशेष दिन में समय में चुरू 48 डिग्री सेल्सियस, बेसिमला 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, तो सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेल और शिमला में 31 डिग्री सेल पर रखा गया, दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहुँचेगा, जब ये बताना है आप। तो देखिए दोनों का जो है एक ही समय पर ये पहुँचेगा, दोनों प्याले का कमरे का तापमान एक ही समय पर पहुँचेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिलिट्री में 4 तारे जनरल यानी कि प्रथम महिला कौन सी है, मिलिट्री में 4 तारे जनरल प्रथम महिला कौन सी, तो ये एनी डून बूडी। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई, हमने बताया था आपसे कि इसको नोट कर लो, आज के बजट सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में उसमें बताया था हमने, इसको नोट कर लो, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो कितनी है, 1722 मीटर है। क्लियर है। अब ये है कहाँ पर, तो ये बताना है आपको, देखिए तो ये कहाँ पर है, ये आपके सिरोही में है, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी सिरोही ये ज़िले में है। कितने मीटर की यह है, ये 1722 मीटर की है। चलिए नेक्स्ट है। ये खारिया, रासवानी, सोभाला और उदेशवार क्या है, ये बाड़मेर जिले के गांव हैं, तो ऐसे गांव कौन पूछता है यार। चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगला, भाग्या, शक्ति, ऐश्वर्या, ये ना सिर्फ बिहार, ये यहाँ के PCS में, बल्कि बिहार PCS में, उत्तर प्रदेश PCS में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, ये तेल के कुएँ हैं, ये क्या है कि बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में पाए गए तेल के कुएँ। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया वे हैं, तो ये क्या है, तो ये ब्लू पोटरी जयपुर की, चिकनी मिट्टी उदयपुर का, ये दोनों ये शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाई ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, ज़्यादा स्पीड हो रही है तो बता देना, कल की क्लास से फिर थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपका ये पेपर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए किस साल में बाड़मेर के कबास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कब आई थी, 2006 में आई थी, अभी आपको देखना अभी अगर कुछ ऐसा आया तो। क्लियर है। नेक्स्ट है, शाहपुर भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है, तो यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय है। कौन सा, राम स्नेही संप्रदाय। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की थी इस यहाँ पर, तो रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी, बचपन का नाम था इनका रामकृष्णा। कब की थी, 18वीं सदी में, जयपुर राज्य के अंतर्गत 16 यानी सूरसेन नामक गाँव में बेसिया कुल के कौन रामचरण जी ने इसकी स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1930 में सीवी रमन को उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई, जिनके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो कौन मान सकते, तो ये थे घनश्याम दास बिड़ला जी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2017-18 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपको ये वाला डाटा नहीं देखना है अभी,
तो देखिए चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ राजस्थान की पर कैपिटल इनकम कितनी है। अगर आपसे पूछे हो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटल इनकम कितनी है तो 86,134 रुपये है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रचलित कीमतों पर तो प्रचलित कीमतों पर बहुत ज़्यादा है राजस्थान में 156,149 रुपये है, क्लियर है, 156,149 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वर्तमान में यहाँ पर कितनी दी, 109,000 दी है, लेकिन 156,000 पिछले इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे आप 2022-23 का, तो उसमें ये बताई गई है दोनों डाटा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का नवलगढ़ यानी कि सीकर खबरों में है, क्योंकि देखिए करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है, क्यों खबरों में था, क्योंकि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए निजी विश्वविद्यालय स्वीकृति दी थी, तो अभी तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप काट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सही नहीं वो आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए रोडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, तो ये बात ठीक है, पहली बात ठीक है। दूसरा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टर्स प्रमोशन लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्या है, देखिए यह केवल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मध्यम व बृहद श्रेणी के परियोजनाओं के लिए है, किसके, मध्यम व बृहद श्रेणी के, तो मध्यम व अगर बृहद आता तो उसमें आपका ये आंसर सही होता, लेकिन ये कहता है लघु उद्योग के लिए, तो यही गलत है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि राजस्थान में राई का क्या है, तो राजस्थान में राई क्या है, परंपरागत ऊँट पालन पोषण करता है को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1990 में कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, 1980 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था ये। तो देखिए अब यहाँ पे डेट दे रखी है 1919, बट आंसर दे रखा दिल्ली, तो अगर पूछे आपका प्रथम अधिवेशन तो यहाँ पे डेट देगा आपके 1918, तो 1918 में कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। अगर बात करें आपसे 1919 में तो ये अमृतसर में हुआ था, तो यहाँ पे ये दूसरा है, तो ये प्रथम की वजह से हम इसका आंसर सही मान लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अमृतसर फिर आंसर होता क्योंकि ईयर के हिसाब से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि रिडकोर क्या है, तो रिडकोर क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ये रिडकोर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो ये कौन सा, कीर्ति स्तंभ अभिलेख, तो ये कब, ये 1460 में बनाया गया था। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अलग ढंग से पहले पूछा गया था ये, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 50, देखिए ये कीर्ति स्तंभ ये 1460 में बाया हमीर कुंभा वर्णन के विस्तार से मिलता है, इसमें राणो कुंभा के व्यक्तिगत गुणों यानी कि दान गुरु सेल गुरु आदि का बोध होता है, कौन से में, इस कीर्ति स्तंभ में, इसे हमें कुंभा द्वारा ये रचित ग्रंथों का पता चलता है, इसमें चंडी शतक और गीत गोविंद की टीका संगीत राज आदि का मुख्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसब गोल पैदा करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए जो भी राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं आपका, ये जैसलमेर हो गया, जालौर हो गया, तो ये जिले जो है ये क्या करते हैं, ईसब गोल का उत्पादन करते हैं। और देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें पहला तो आपका हो गया जालौर, दूसरे पर कौन सा है, सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, तो हमने बताया पश्चिमी राजस्थान के ये जिले हैं ये इधर के, तो ये उत्पादन करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट है, मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आंदोलन है, यह आंदोलन लसोड़िया आंदोलन, तो किसने किया था, ये मोतीलाल तहियावत जी ने किया था, ये कहाँ पे किया था, तो किया था इन क्षेत्रों में, मेवाड़ बांगड़ के आसपास के क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा ये वृक्ष है, पलाश वृक्ष है, जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से, इसके ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ये खेजड़ी वृक्ष जो है, ये खेजड़ी वृक्ष है यहाँ का राजकीय वृक्ष, कौन सा, खेजड़ी वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा शहर है, जोधपुर है, तो जोधपुर सन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी सोलर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो जोधपुर में लगाने की प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर लो अयस्क पाया जाता है नाथरा की पाल में, और नाथरा की पाल कहाँ पर, तो ये उदयपुर में है, कहाँ पर, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो देखिए ये जैसलमेर में पाया जाता है, या तो आप बात करें उस टाइम की या अभी की बात करें तो अभी भी जैसलमेर में ही पाया जाता है। और राजस्थान में अभी टोटल घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, तो 200 घनत्व है राजस्थान में, क्लियर है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है।
देखिए इसको मिलान करते हैं मेवात विकास कार्यक्रम से। तो अगर आपको ट्रिक याद रही होगी तो मैंने बताया था, अगर पहले ऑप्शन में एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करे, कुछ भी नहीं पता आपको, जीरो पता है, लेकिन आप देख लो कि पहले में कौन से कॉमन कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन पहले में पहला ही है, तो आप आंखें बंद करके इनको दो को काट दो। 99% बता रहा हूँ मैं, जो भी अगर दो चार नंबर का स्कोर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्कोर करना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे ट्रिक से सॉल्व करें, उसे 99% फायदा होने वाला। देखिए एक दो क्वेश्चन गलत भी जाएंगे, आप सोचोगे सर ने तो ये बोला था कि गुरुजी ने ये बोला था, अब हो गया ये, तो भाई ऐसा नहीं है, 100% सही नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत भी जाते हैं, लेकिन यह है कि आपको रहेगा फायदा ही ओवरऑल। तो देखिए पहले का आ गया पहला, यानी कि मेवात क्षेत्र कार्यक्रम अलवर जिले के 8 ब्लॉकों में, भरतपुर जिले के 3 ब्लॉकों में लगाया गया है। वहीं पर बात किया है और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, तो ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चार, ये आपको बताया कि सीमा कितनी जिलों से लगती है, 4 जिलों से लगती है, तो इसको आपको वैसे पकड़ लेना, तो दूसरे का दूसरा, तो आपका यही आंसर आ गया। तीसरे का क्या बात करते हैं, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर लगा था ये, और ये उसके बाद में चौथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये अजमेर वगैरह में गया था, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये कब कब आए थे, इनकी डेट भी देख लो। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 1987 से 1988 में आया था ये। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 4 जिलों में लगाया गया था। डांग क्षेत्र की काम करें तो ये 1990, और ये कोटा कैसे हो गया, तो 1995-99 मान लो इसको, क्योंकि उस टाइम पर चलाया गया होगा ये। और ये मागरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2001 में और 2001 में आया था ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में शुरू किया गया था, तो आपको ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1997-98 में शुरू किया गया था ये, क्लियर है। अब इसमें देखिए राज्य का और केंद्र का सहयोग कितना रहता है, 70:25 का रेशियो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ये बताना है आप, तो इसमें आपका मसूरिया जाड़ी, ये मसूरिया साड़ी कहाँ पर मिलती, कोटा में मिलती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी, तो किसके नेतृत्व में भेजी गई थी, ये मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। और खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, किसके, बाबर के और राणा सांगा के बीच में, क्लियर है। तो मालदेव के नेतृत्व में ये मारवाड़ी सेना भेजी गई थी वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, वह क्या उत्पादन है जो चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायतम पाया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, तथा ये गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है, तो आपको बताना है किसका, तो ये होता है जिप्सम का, जिप्सम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता है, जो क्या होता है, तो जो देखिए बकाया बकायत है ना, तो राज्य के बकायों का भुगतान करता था, तो आपको ऐसे ही टर्म को पकड़ लेना है। हिंदी मीडियम के साथ में अच्छी चीज़ ये है कि हिंदी मीडियम में एज इट इज़ टर्म मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा वे आर्थिक विकास पर बेहंगम दृष्टि डालने का प्रयास उपलब्ध कराता है, कौन उपलब्ध कराता है, तो देखिए यहाँ पे एक मैगजीन निकलती है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकली वीकली, तो ये उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कौन सा शहर है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, 28 सूती मिलों की संख्या है, जिसमें 14 निजी क्षेत्र की हैं, 7 संयुक्त की और 4 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना, किसका, उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो देखिए बढ़ती किस दिशा में, अब देखिए आप राजस्थान का मैप बनाएंगे तो इस तरीके से राजस्थान का मैप अगर बना दें आप, तो राजस्थान में देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा किधर होती है, इधर होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे जैसे आप इधर को जाएंगे तो मानसून में ये वर्षा के दिनों में कमी आती चली आएगी और वर्षा की मात्रा में भी कमी आती चली आएगी, कहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया है, ये सॉरी बढ़ने की बात करें ना, तो बढ़ने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कम देखेंगे ना, तो सबसे कम कहाँ होती, तो सबसे कम आपने देखा होगा कि सबसे कम होती है इस पश्चिमी क्षेत्र में, जो जैसलमेर का क्षेत्र है सबसे कम, तो इधर से जब इधर को चलते चलाएंगे आप तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अगर हमने पकड़ लिया था घटते क्षेत्र में, तो अगर ऐसे देखेंगे तो इधर को घटेगी ये, क्लियर है। तो बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी आपके उत्तर पश्चिमी से लेकर इधर को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगी, तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि धावड़िया के वे व्यक्ति होते थे जो कौन होते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, तो इनको कहते थे धावड़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 73 क्वेश्चन है, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, तो जल दुर्ग कहाँ पर, गागरोन में है।
अब आपको पता होना चाहिए गागरौन कहाँ पे, तो ये झालावाड़ में, कहाँ पे झालावाड़ में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 74 क्वेश्चन है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। अब देखिए बनी ठनी को आप देखो, ये किशनगढ़ी शैली को देख लो, किशनगढ़ी राज्य, ये राज्य की नींव किसने, राठौर वंशीय किशन सिंह ने 1609 में डाली थी। तो राजा सावन सिंह उपनाम नागरी दास के समय किशनगढ़ी की चित्रशैला अपने वैभव पर पहुंची थी, किसके टाइम पे, राजा सावन सिंह के टाइम पे। तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, किस जिले में, किस जिले के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इस टाइम पे कहाँ पे, बारा उदयपुर ये चित्तौड़गढ़, क्योंकि इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि वर्षा सबसे ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, तो ये वन पाए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है, तो कहाँ पर होता है, खस का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये होता है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। चलिए नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे, तो ये थे सूर्यमल मिश्र। कौन थे, देखिए वंश भास्कर कवि महाकवि सूर्यमल द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट है, बक्साबाद परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। चलिए देखिए, अब समसामयिकी में हम डेली आपको एक दो घंटे की डेली क्लास ले रहे हैं समसामयिकी की। समसामयिकी में यानी कि करंट अफेयर में आपको यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, बाकी क्वेश्चन वहीं से, मतलब जितना भी करंट करना है वहीं से करना है। हमने चार क्लास उसकी ऑलरेडी डाल दी हैं, दो क्लास में वो खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में देखेंगे कि पूरे साल में नियुक्तियाँ कहाँ पे हुई हैं, किसने त्याग पत्र दिया है, किसने कौन कहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी बना है, और उसके बाद में कौन सी किताब किसने लिखी है, फिर कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, और बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी हम चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक और लास्ट क्लास रह जाएगी उसकी, वो खेल की क्लास है, उसको भी एक दो घंटे में हम करा देंगे। तो दो क्लासें और करंट अफेयर की रही हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी एक क्लास हम, एक या दो क्लास हम राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर की लेकर आएंगे, जिसमें पूरा कवर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, ये मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ पर चली थी, तो कलकत्ता और ढाका के बीच में चली थी, अभी आपको देखना नहीं है उसका। चलिए नेक्स्ट है, 2008 का बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, देखिए अगर आप खुद से अभी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं आप, तो ये जितने भी हमने पेपर कराए उसमें से करंट के कुछ क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को A4 साइज पे आप उतार लें, उसके बाद उन्हें गूगल कर लें या फिर उनका नोट्स बना लें, जिसके आप रिवीजन बाद में आसानी से कर लें, 4 से 6 पेज में या फिर 2-4 पेज में बना लें उनको, ठीक है ना। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगी जो आपको करनी पड़ सकती है, अगर मतलब आप चाहें तो, अगर नहीं चाहें तो हम तो करा लें आप मैगजीन, वहाँ पर वहाँ से भी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन वहाँ पर कवर कराएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन हम भी देखते रहते हैं और फिर हम एक बता देते हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो तब भी आपको देखना, अभी कौन थे, अभी का देखना, तब नहीं देखना, ठीक है, तब कौन थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया का पहला ये DNA बैंक स्थापित किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था, तब ये देखना। अभी देखिए, अगर आपसे पूछा अभी कि 109वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ होनी है, तो लखनऊ में होनी है वो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और 108वीं कहाँ हुई थी, वो नागपुर में हुई थी, नागपुर यूनिवर्सिटी में। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो अभी का आपको देखना है कि उस टाइम का नहीं देखना है, ठीक है, तो ये भी नहीं देखना आपको। विश्व के सबसे युवा सम्राट किस राष्ट्र के थे, तो भूटान के इस टाइम हुआ करते थे, अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो अभी आपको देखना है, ये अभी का नहीं देखना, ये सिवन थे, तो अभी क्योंकि अभी सिर्फ आप ये देखोगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लियर है, बाकी हम सब कराएंगे यार, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की। देखिए, नरेगा के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको, कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, ये बात ठीक है, सरकार ने अन्य कार्यक्रमों की भांति इसमें भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव, इस कार्यक्रम में भी जो पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है, हाँ तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का विशेष वर्णन है, यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजाति संबंधित है, तो ये बात ठीक है। एक इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक वर्ष में इतना वर्ष के रोजगार की गारंटी नहीं, ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी है एक वर्ष में, ठीक है ना। अभी राजस्थान में बढ़ा दिया गया है, तो हमें करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उस टाइम कौन थे, अभी आपको देखना कि कौन है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 पूछा गया था उस टाइम पर, लेकिन अब 3 पूछा जाएगा, 100% इसको लिख लो। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड 8 के हमने करंट अफेयर की क्लास में सारा कुछ डिटेल से क्लियर करा दिया है। तो चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया था, ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, तो चलो यहीं पे बता देता हूँ, चंद्रयान 3 भी यहीं से लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। अब कुल भार पूछे तो कितना उसका, तो कुल भार है 3895 kg, क्लियर है।
अब देखिए, भारत ऐसा चौथा देश बन गया जिसने चंद्रयान चांद पर अपना मिशन भेजा है। किसके बाद में? अमेरिका, अमेरिका के बाद में रसिया, रसिया के बाद में चाइना, उसके बाद में इंडिया, तो चौथा देश है। अगर बात करें कि दक्षिणी ध्रुव पर इसके किसके चंद्रमा के, तो पहला कंट्री है दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला, भारत पहला देश है जिसने भेजा है। तो इसके साथ में आपसे पूछेगा कि इसके साथ में बताइए, इसके साथ में क्या भेजा गया है? तो रोवर भेजा गया है इसके साथ में। क्लियर है? तो बाकी चीज़ें हम करंट में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आप देख लेना रोवर का भार कितना है, वो भी बता देंगे हम। 26 किलो का रोवर है वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। किस देश ने भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर सितंबर 2008 में हस्ताक्षर किए थे? तो अभी आपको कोई मतलब नहीं है, फिर भी देख लो फ्रांस में किए थे। अभी आपको देखना अभी कुछ किसके साथ किया है। नेक्स्ट है थावो मेम्बी के इस्तीफा देने के बाद दक्षिण अफ्रीका का नया राष्ट्रपति? अभी का देखना है, पुराना नहीं देखना है ये कुछ भी। ठीक है, भारत रत्न के लिए किन्हें चुना गया है? अभी उस टाइम चुने गए थे पंडित भीमसेन जोशी, अभी आप टेंशन ना लें उसकी। देखिए, कंधमाल किस राज्य में स्थित है? तो कंधमाल कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अभी आपको देखना है कि कुछ नया पूछा जाता है कैसे। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हुए? तो आसाम से निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हैंडलूम मार्ग प्रमाणिकता बतलाता है क्या? हैंडलूम कपड़ों की। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो 1982 में ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, तो आप सभी जानते हैं न्याय गौतम से रिलेटेड है। और जबकि आपका बात करें मैं कणाद, तो ये वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। किससे? ये देखिए वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा है कपिल, कपिल सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। गौतम न्याय मत, ये न्याय सूत्र से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, बाकी मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, बाकी सभी सातों बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं? तो देखिए इनमें से ये कोई भी नहीं होते। तो अब डिस्कस करते हैं हम 2009 और 10 का पेपर। यहाँ पर 9 10 डाल लो आप, क्योंकि 9 10 में ये एक ही पेपर हुआ था। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन फिर यहाँ से सिंध सभ्यता का क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी सेम सेम ऐसे करके रखे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ लो। अगर आपसे उस टाइम आपने पिछले पेपर में ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया होता, तो देखिए कौन सा स्थल, ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो आपको पता है कि कौन सा है। देखिए लोथल तो हो नहीं सकता, लोथल गुजरात में, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? आपको बता दिया था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, आलमगीरपुर बचा और ये बच्चा बनावली। आलमगीरपुर आपको पता है यूपी में, तो कौन सा है? घग्गर नदी किनारे हो सकता है, बनावली घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर है? अब देखिए कहाँ पे ये बनावली, कहाँ पे ये? हड़प्पन संस्कृति का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन से जिले में? हिसार जिले में। कौन सी? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। कब की थी? 1973 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन साहित्य में पोत एवं मन्य किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए? राजा के लिए प्रयुक्त होते ये शब्द ये। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह थी कौन सी थी? तो बुद्धा की पहली मूर्ति थी, इनको पूजा गया था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के टाइम पे होता। तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ ट्रिक, कौन सी ट्रिक थी कि देखिए रब पक और जिसके नीचे अक अक डाल लो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो देखिए पहले दो बड़े बड़े नाम रहेंगे, रेत से तो आपको पता ही है क्या, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरे पाटलिपुत्र और ये कैसे कश्मीर। अब ये अकाक देखिए, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, ये छोटे छोटे नाम। क्लियर है? तो लास्ट में किसका नाम आ रहा है? कनिष्क, छोटा नाम है ना, तो कनिष्क ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी, किसने? इसके अध्यक्षता में, बसुमित्र के अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट है के मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल की बात की जा रही है, किसकी? भूमिकर की बात की जा रही है। तो आपको देखना भूमिकर तो कौन करता था? ये सीता अध्यक्ष जिसको कलेक्ट करता था। कौन? सीता अध्यक्ष। तो कितना लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 1/3 तक। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन व तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि किताबुल अन ये किताबुल
किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो इनका लेखक का नाम था अल बरूनी, ने किताबुल हिंद लिखी थी। अब ये अल बरूनी भारत कब आए थे? तो अल बरूनी भारत जो महमूद गजनबी टाइम के साथ आए थे, महमूद गजनबी के साथ आए थे भारत। क्लियर है? कब आए थे? तो ये आए थे करीब 1030 ईस्वी के आसपास। इनकी दूसरी भी किताबें थी कुछ, जैसे कि कुछ पुस्तकें और थी इनकी, तहकीक हिंद, ये किताबुल हिंद, एक तो इसका दूसरा नाम क्या था, तहकीक हिंद भी नाम था इसका दूसरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो ये किस कृष्ण देव से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने आचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो ये राणा कुंभा ने कराई थी। कहाँ पे? आचलगढ़ के किले की मरम्मत। तो ये कहाँ पे? ये सिरोही जनपद में। क्या है? आचलगढ़ किला एक पर्वतीय दुर्ग है। तो इसकी मरम्मत देखिए, पहले मरम्मत महाराणा कुंभा ने 1442 ईस्वी में कराई थी। यहीं पर चार जैन मंदिर भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त द्वारा दिया गया था? तो ये नानक जी द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर काल में भूमि ये भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो किसके द्वारा? टोडरमल द्वारा ये निर्मित की गई थी। अब कब की गई थी ये? अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष आईने दहशाले टोडरमल व्यवस्था नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट है, अब आधुनिक इतिहास से देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? तो ये थे देखिए कर्नल जेम्स टॉड। तो इनकी पुस्तक थी जो 1829 में लिखी थी उन्होंने, पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास मुंबई की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में की गई थी। वहीं पर उस टाइम पर क्या हुआ था? बुड डिस्पैच की घोषणा पत्र के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के प्रतिदर्श पर कलकत्ता मद्रास और मुंबई में 1857 में तीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप सब जानते हैं बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 39वां अधिवेशन था कांग्रेस का, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और ये कहाँ पर? कर्नाटक के निकट बेलगांव में, कर्नाटक के पास बेलगांव में है, कर्नाटक में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वर्धा में पारित किया गया था। इसकी पुष्टि कब हुई थी? पुष्टि हुई थी 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में। ठीक है, तो यहीं पर गांधी जी ने बाद में ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था या फिर करो या मरो का नारा भी यहीं पर दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो आप इनको सब जानते हैं, ये बहराम जी एम मलवारी थे। चलिए नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं कोरमंडल इसका तट का नाम है। और ये केरल के तट का पूछते तो केरल के तट का नाम है मालाबार, और वहीं पर ये कर्नाटक के तट का नाम है कोंकण ऊपर का। उत्तरी सरकार आप जानते हैं कि उड़ीसा के साइड का तट का नाम है। चलिए नेक्स्ट है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो ये पर्वतीय भाग है, 90% पर्वतीय है। अभी मणिपुर में हिंसा बहुत ज़्यादा चल रही है तो वहाँ पर क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में प्रमुख संसाधन क्या है? तो आप सब जानते हैं कि वन संसाधन प्रमुख है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए और कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की? मानस हो गया, ये पगला दिया हो गया, संकोच हो गया, सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, ये सभी जो इसकी नदियाँ हैं, किसकी? ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं ये। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो हमने बताया था कि अगर उत्तरी भारत में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लेकिन अगर तमिलनाडु में बात करें तमिलनाडु में तो ये होती है लौटते हुए मानसून से या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से। चलिए नेक्स्ट है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो किसके गर्म मसालों के लिए जाना जाता है? वैसे अभी रबड़ का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा केरल में होता है। गन्ने का आपको पता है कि गन्ने का कहाँ पर होता? गन्ने का होता उत्तर प्रदेश में, और चीनी का भी अब उत्तर प्रदेश हो गया है। वहीं पर बात करें चावल की तो चावल पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है,
कि निम्न में से असहमत उत्पाद को बाहर कीजिए, बताना है को कौन सा असहमत है, इसमें से तीन में से एक से अलग है, तो कौन सा ये अरंडी अलग है तीन में से। तो देखिए तीन जो है तिल, मूंगफली और सरसों का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है इनका तीनों का, जबकि अरंडी का क्या है कि पेंट और इसमें यूज करते हैं इसको। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन के लिए समृद्ध है, तो ये खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आपका ये कहें कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, या फिर अदर खनिज जो है यहाँ पर मिलते हैं। देखिए क्या 70% कोयला, 60% अभ्रक और बाकी लोहा, ये मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है, वह कौन सा है, तो ये कर्नाटक है, कर्नाटक में ये धारवाड़ कहें। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है कौन सी, देखिए उस टाइम पर खाने का तेल आयात करते थे हम, तो तब का क्वेश्चन है। अभी इस भूगोल में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, बताना है। ये भारत का, भारत पश्चिमी गोलार्ध में के मध्य में है, तो ये गलत है। तो दूसरा कैस्पियन सागर खुला सागर है, तो ये गलत है। राजस्थान शीत मरुस्थल वाला, ये भी गलत है। तो उत्तर में दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवियां हैं, तो ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, मोंटाना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वी सागर कहाँ पर है, तो सेल्वी सागर है दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो किसका भाग है, सेल्वी सागर आपने देखा होगा दक्षिण प्रशांत महासागर का भाग है ये। चलिए नेक्स्ट है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा, तो कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का भाग है ये, क्लियर है। और लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। नेक्स्ट है, मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है कौन सी, यमन में मोका कॉफ़ी उगाई जाती है। वैसे अगर कॉफ़ी के ओवरऑल उत्पादन में देखें तो ब्राज़ील नंबर वन पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो ब्राज़ील के पठार को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बाकू, देखिए बाकू तो आप सभी जानते होंगे कि तेल, खनिज तेल सब के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ये कहाँ पर है, ये बाकू अजरबैजान की राजधानी की भी है, तो यहाँ पर बाकू अजरबैजान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह कौन सा, तो चिली किसके, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा, देखिए त्रिपुरा एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्या है, ये धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, क्योंकि ये कौन देता है, ये प्रेसिडेंट देता है, आर्टिकल 342 के अनुसार किसी भी क्षेत्र के किसी भी लोगों को ये दिया जा सकता है। तो आर्टिकल कितना है, कितना बताया था हमने आर्टिकल, ये आर्टिकल है 342, आर्टिकल है 342 के अनुसार राष्ट्रपति देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना 36, अभी देखते हैं 37, मिश्रित कृषि में क्या होता है। देखिए मिश्रित कृषि में क्या होता है कि कई फसलें उगाते हैं, कई तरीके की फसलें एक साथ उगाते हैं, पशुपालन भी साथ में करते हैं, मिश्रित उसको कहते हैं खेती। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38, आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कथन सही नहीं है। नई औद्योगिक नीति 2010 तक जारी की गई, इसके देखिए पुराना क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि अगले 5 वर्षों में ये टारगेट रखा गया था, 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया था, उद्यमितों को आसान शर्तों पर मिलेगा, ठीक है, जो सार्वजनिक निजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो ये तो गलत है, तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो आपको बताया कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्णय लेती है। चलिए नेक्स्ट है कि शेयर बाजार भारत में विश्व बैंक के से वित्तीय समाप्ति जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है, वह देश कौन सा जो भारत के बाद आता है, तो देखिए मैक्सिको, तो ये करंट का उस टाइम पर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञान में देख लें, बर्फ पानी पर क्यों तैरता रहता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, पत्तियाँ क्यों हरी दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं, तो हरे वर्ण को प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण कर लेती हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं, किस टाइप के, तो उन्नोत्तर दौर लेंस कहते हैं इसको। अब इसके देखिए, इसके दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया कि क्या, धूप के चश्मे। देखिए रमन इफेक्ट के सिद्धांत पर ही एक आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया है, जिसमें सूर्य की किरणों का अवशोषण करके आँखों का तेज प्रकाश से बचाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, किसकी? तो जीवाणु की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, तो क्या है? यूरिया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल, ये ऑर्गेनिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन और उद्जन दोनों होते हैं, कार्बन और उद्जन दोनों होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछ रहा है। अगर लवणीय क्षेत्र में होंगे तो लवणोद्भव हो जाएंगे, ठीक है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं ये हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये होंगे चट्टानों पर तो क्या होंगे? शैलोद्भिद। चलिए नेक्स्ट है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं इसको? ये कहते हैं हार्बेरियम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, कि जंगल की आग कहा जाता है, इसको ब्यूटिया मोना स्पर्मा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, क्या है? मच्छर ये प्लाज्मोडियम परजीवी का ये वाहक है। अब ये देखिए, मलेरिया रोग का कारक ये क्या है? यही है, ये परजीवी है जो मादा एंसेफलाइज मच्छर से के द्वारा फैलती है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें होता क्या है कि इसमें लाल रक्त कणिकाओं की विशिष्ट होने लगती है, जिससे संक्रमित व्यक्ति हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो उसको बर्ड फ्लू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नाइट्रेट की वजह होता है, लेकिन पिछली बार ये UPPCS ने इसको गलत माना था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जुलाई 2000 में इसरो ने निम्न बांध द्वारा 5 उपग्रह छोड़े थे, तो अभी हमने करंट में देखेंगे इसको, सारे हमने आज की क्लास में देख लिए हैं कि कहाँ पर कौन से उपग्रह छोड़ेंगे, कितने छोड़ेंगे, कौन से देश के कितने हैं, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। तो आप करंट के वीडियो देख लो, जितने भी 3-4 क्लासेस अभी तक डाली हैं और 2 क्लासेस और डालनी हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी की किस से बचाता है, तो किससे? तो ये अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से रक्षा करता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये ओजोन परत होती कहाँ पर? तो ये समतल मंडल में होती है, तो कितने से कितने मीटर तक? तो ये 10 से 50 किलोमीटर के मध्य होती है, लेकिन अगर पूछा अधिकतम सांद्रण कितना होता है, तो 12 से 15 किलोमीटर के बीच में इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट है, G8 मास्को का पहल संबंधित है किससे? मातृक एवं बच्चों के स्वास्थ्य प्रोत्साहन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? हरविलास सारदा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 के सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला है माही बजाज सागर परियोजना, ये गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। दूसरा चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। ब्यास की बात करें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो राजस्थान एवं पंजाब की है। तो जिन्होंने बताना क्यों क्वेश्चन लिखा था, सारी परियोजनाएं इसमें सही सुमेलित हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी कह रहा था कि देखिए सही विकल्प सही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 14th INELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBN ब्लॉक्स संबंधित है किससे? तो पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है ये। चलिए आगे देखते हैं, किस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह कौन सा? जोधपुर जिला है वो। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जगह लगते हैं, तो आपको बताना है कि नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं राज्य स्तर पर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है 64 में। तो देखिए, इसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत की मात्रा पाई जाती है। तो अब इससे होता क्या है कि इधर ये पानी जो है एवोपरेट होकर उड़ जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ ये खारा ये जल रह जाता है, तो नमक की मात्रा ज़्यादा रह जाती है इसमें। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा, नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, तो ये बात भी ठीक है। चौथा, ये राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर ज़िले में है। तो देखिए, यही बात गलत है, ये उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? राजसमंद में है, ये कहाँ पर? राजसमंद ज़िले में है ये। तो क्लियर है, तो डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है किसके लिए? सूखे मेवों के निर्यात के लिए। तो आप जब भी पेपर देने जाएं इधर राजस्थान में, आपका सेंटर यहाँ पर पड़ जाए मेवानगर में, तो यहाँ से मेवे लेकर आने हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह द्वारा कब कराया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1927 में इसका निर्माण कराया गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी कहाँ से कराया गया था ये चीज़ और देख लो। देखिए, इसका यह नहर जो है 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैन बाला से, कहाँ से? हुसैन बाला से निकाली गई थी।
यह नहर पंजाब राज्य से बहती हुई शंखा के पास बीकानेर जनपद में प्रवेश करती है। इस नहर की लंबाई फिरोजपुर से शिवपुर तक 129 किलोमीटर है और राज्य के अंतर्गत प्रमुख नहर और उपशाखाओं की लंबाई 1200 इसकी 80 किलोमीटर है। इससे अब तक लगभग इतने करोड़ हेक्टेयर सिंचाई हो चुकी है। तो आपको ये पता नहीं कितनी हो चुकी है, बट ये देखना कि 1200 किलोमीटर इसकी सब शाखाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं नियोजन निगम यानी रिको ने एक जापानी कंपनी से नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है। भाई जापानी कंपनी कौन सी है? तो ये मित्सुबिशी थी। तो अभी करंट में देखना आपको, ठीक है। एक कार कंपनी जो कार बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई, ये कंपनी कौन सी? तो होंडा सियालती, लेकिन आपको करंट में देखना कुछ ऐसा हुआ है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन इतने से इतने तक शुरू की गई है। आपको अभी ध्यान नहीं देना है इस पर, रॉयल राजस्थान ये व्हील नाम था इसका, बट अभी करंट में जो चलेगी वो देखना आपको, ठीक है। देखिए भयंकर अकाल से राजस्थानी लोगों में छप्पनियों का काल से जाना जाता, क्या 1899-1900 को क्या कहते हैं? छप्पनियों का काल कहा जाता है, या फिर इसे त्रिकाल भी कहा जाता है, क्या? त्रिकाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जो 1856 में पड़ा था उसे ये छप्पनवा काल के भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का उत्तरी दक्षिणी विस्तार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? तो कितने 60% से अधिक क्षेत्र को घेरे हुए है ये। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है, चुरू आता है, पश्चिमी नागौर आता है, बाड़मेर आता है, तो ये सारे भाग इसमें आते हैं। इसको ये थार मरुभूमि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए छप्पन बेसिन जिस जिले में वह कौन सा है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस यानी जिस जिले में संभावित है वह कौन सा? तो ये जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, खारी नदी किस अव्वा तंत्र का अंग है? वह कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी का अंग है। देखिए बनास की सहायक नदी उदयपुर जिले के बिजराल गांव के पास में पहाड़ियों से निकलती है। यह देवगढ़ के समीप से ही होती हुई अजमेर जिले के देवली के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है, भिवानी की कहरानी अभी हाल ही में खबरों में थी, तो जिस टाइम पर खबरों में रही थी जिस वजह से वो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है उसका। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का स्वच्छ ये स्वायत्त निकाय स्थापित कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। तो देखिए अगर किसी को ज़्यादा तेज़ स्पीड लग रही है तो वो थोड़ी सी स्लो कर सकता है इंडिविजुअल, है ना, और जिसको अगर फिर भी ये भी कम लगे तो और तेज़ कर सकता है, बट ये कि आपको कम से कम टाइम में ये आपको ये कर लेना है ये। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा हुआ, तो कौन सा जुड़ा हुआ था? तो बता देखिए, कोल डेजर्ट जुड़ा हुआ था। कब जुड़ा गया? ये जुड़ा गया 2009 में। और नोकरेक कब आया था? इसमें आया था सिमलीपाला, इसमें आया था दिबांग। इसको आपको डेटा याद नहीं करनी है, कौन सा एक सही नहीं है ये बताना। देखिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई निवेश नीति जारी की थी, उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से 2008 में नहीं लागू की गई थी, तो 2010 में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा बात करते हैं जीर्ण माता का सबसे लंबा गीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये महाराजा गंगा सिंह थे जो बीकानेर के थे, ठीक है। तो इन्होंने मदन मोहन मालवीय के कहने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी मात्रा में दान देकर इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो मेहराब कोटा को राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 83, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी, कब? अजमेर जिले की भिनाय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरिस्का और रणथंबोर निम्न में से किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट है, पशु गणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व एवं सबसे अधिक पशु घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो ये स्टैम्प है, ये डूंगरपुर था, क्लियर है। अब देखते हैं हम 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना? 166 है, और सबसे अधिक की बात करें दौसा है, तो आज की डेट में दौसा आ जाएगा, क्या? दौसा इसका आंसर आ जाएगा, नहीं ये रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामड़ करण अंजन ये क्या है? ये राजस्थान में घास की किस्म है ये, तो ये क्या बनाते हैं इनसे? टटिया। कुछ लोग टटिया को नहीं जानते होंगे, टटिया होता है छप्पर टाइप का, देखिए ऐसे करके लकड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है, गांव में आपने देखा होगा, और इस पर
घास फूस पत्ती वगैरह डाल के ये टटिया बना देते हैं, ठीक है। ऐसी होती टटिया, इधर को रास्ता होता है, इधर रखते हैं हुक्का पानी, इधर दो चार ताऊ बैठते हैं, इधर दो चार ताऊ बैठते हैं, तो घुमाते रहते हैं इसमें टटिया के नीचे, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए एक तो ये कि सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं यहाँ पे, ये इसे एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है इसमें। आज क्या होता है कि मिट्टी मतलब ये बहुत ज़्यादा वो बन गए होते हैं, ये सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये तपन हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे तपन पहले ये नहीं होती थी ना, क्योंकि सारा ये नेचुरल चीज़ें लगा देते इसमें। चलिए अब मैं टटिया के चक्कर में पड़ गया, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमने डिस्कस कर लिया, तो अभी आपको नहीं देखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी जो इलेक्शन है आपने उसमें देखना, बाकी देखिए मैंने इसलिए बताया था आपको, ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप अगर करंट की वीडियो देख के अगर इन सारे क्वेश्चन को ना सॉल्व कर दो, तो फिर आप कमेंट करके बोलोगे कि सर आपने ये नहीं कराया था, बाद में नहीं बोल सकते आप पेपर देने के बाद सर आपने ये नहीं कराया था, वो नहीं कराया था, ठीक है भाई। देखिए सारे हमने राष्ट्रपति डिस्कस करें, जो भी अभी करंट में चर्चा में रहे हुए हैं, जो भी भारत आए, भारत से बाहर गए, भारत आए, तो जो भी है सारे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में ये नागा छात्रों की केंद्रीय राजमान नाकाबंदी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था, मणिपुर था। आज भी डेट में 2023 में भी मणिपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है इसमें दंगों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन है, तो अभी करंट में देखना जो भी है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने 2010 के दिन शपथ ली वह कौन है, अभी आपको करंट में देखना, उसमें नहीं जाना है। देखिए CII भारत, ये भारत उद्योग के नए अध्यक्ष कौन थे, करंट में देखना है। पास्को एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निवेश करने का इरादा कहाँ पे, तो इसने किया था उड़ीसा में, अभी किसने किया तो करंट में देखेंगे हम उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे, ये देख लेते हैं, तो स्कॉटलैंड में उसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ है जिसमें, किसी बैंक के साथ में, तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है जयपुर के साथ में, करंट में जो चीज़ रहेगी वो देखेंगे हम। नेक्स्ट है देखिए पुस्तक वन नाइट कॉल सेंटर, तो ये GBA चेतन भगत ने लिखी थी ये। चलिए नेक्स्ट है एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ये माराडोना किस देश में है, तो ये अर्जेंटीना का था उस टाइम पे। देखिए सार्क देश का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं, म्यांमार सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क बना कब था, 1985 में बना था, मुख्यालय काठमांडू में है, 8 सदस्य देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। 99 क्वेश्चन हो गया। देखिए अभ्यारण्य यानी सेंचुरी राइनों के लिए कौन सी जानी जाती है, तो काजीरंगा राइनों के लिए जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए काजीरंगा कहाँ पे है, तो आसाम में काजीरंगा और मानस दो अभ्यारण्य हैं, क्लियर है। अब देखिए लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी लोग अगर राजस्थान के बाहर के हैं, राजस्थान के अंदर के हैं, ये बुक काफ़ी फेमस बुक है दिशा पब्लिकेशन की। तो दिशा पब्लिकेशन की दो बुकें आती हैं, पहली बुक में आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, दूसरी बुक में ये मिलेगा आपको इतिहास, कला और संस्कृति। तो ये 2020 के नाम से अभी हाल की बुक हैं, इसमें क्या है कि 32 सालों के पेपर डिस्कस किए हुए हैं इसमें, RPSC, RSSB एवं विभागीय जो भी परीक्षाएं हुई हैं 1992 से 2023 तक के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हुए हैं। तो ये 21वां संस्करण आ चुका है इसका। जो भी लोग अगर इसको लेना चाहते हैं, तो भाई मार्केट में या कैसे भी करके, ऑनलाइन में कैसे भी, ऑफलाइन करके इसको खरीद सकते हैं। अब आप ये ना सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके पैसा मिल रहा है, तो हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा, ठीक है ना, 1 रुपया भी कोई, और ना ही हम ऐसा कभी एडवर्टाइजमेंट करेंगे बिना मतलब का, जिससे कि आपका नुकसान हो या आपको बिना मतलब में आपके पैसे डलवाए जाएं। तो देखिए इनमें सारी ये एग्ज़ाम के पेपर डिस्कस किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक मानी जा रही है। तो अब ये देखिए, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, अगर आप खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट कमेंट करके बोल सकते हो कि सर आप इसको करा दीजिए, तो हम देखिए 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। पहले स्टार्ट करेंगे हम उन सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स है, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इतिहास और ये कला और संस्कृति में आप बहुत उलझ जाओगे। अगर आप कहोगे इतिहास से स्टार्ट करें, तो हम इतिहास में मॉडर्न से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे पहले, जिससे कि इसे बाद में करेंगे, मॉडर्न में हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर कर दें, क्लियर है। तो आप इतना काम कर सकते हो, एटलीस्ट कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसको कब करानी है, कब नहीं करानी है आपको। अगर आप चाहते हो कि हम टेस्ट पेपर कराएं किसी भी कोचिंग सेंटर के, तो आप वो नाम रिकमेंड कर सकते हो। तो और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको पहले कराएं बाद में टेस्ट पेपर कराएं, तो आप ये भी करके कमेंट करके हमें बता सकते हो, क्लियर है। तो ये सब आपकी सहूलियत के लिए हैं, अगर आप न मना करोगे तब भी उसके बाद में नहीं कराने के, ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है हमें कि आपको कराया जाए, बट ये है कि आप कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, नाम लेना चाहूँ ना तो ज़्यादा सही नहीं है, तो एक अभिषेक भाई भी हैं वहाँ पर जो ऑलरेडी अभी HDM है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया जाएगा कहाँ पर है, बाद में कमेंट करके करोगे आप कि सर हमारा थोड़ा सा ये थोड़ा करा दीजिए, तो अभिषेक भाई है वहाँ ऑलरेडी, वो HDM है राजस्थान में अभी। तो देखिए अब उन्होंने कुछ मतलब चीज़ें बताई थी जो हमसे शेयर की थी, वो उसी के पैटर्न पे हम जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक दो लोग हैं जो अभी ऑलरेडी पिछला मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं,
बट लेकिन जो इंसान सेलेक्टेड हो जाता है आप उसके बाद ज़्यादा समझते हैं और मानते हैं, सही कि नहीं सही है। तो अगर उसने भाई ने बोला है तो इसलिए हम जो है कुछ चीज़ों को उनसे उसके हिसाब से करा रहे हैं आपको, जो जो रिकमेंडेशन किया था उन्होंने राजस्थान PCS के लिए। क्लियर है भाई? चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो। बाकी 4-5 वीडियो हम जो इसको PYQ को पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। करंट अफेयर की क्लास आपके साथ के साथ चल रही है। बाकी आप जो भी चीज़ अलग से पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट अलग से पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी लेकिन यह है कि आप थोड़ा डाटा पे थोड़ा ज़्यादा आ जाइए, क्योंकि स्टेट PCS के एग्जाम में स्पेशली डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बता दीजिए, हमने जो जो हमने गठन चक्र की करा रखी हैं क्लासेज, वो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर राजस्थान PCS में, वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो आपको वो लेनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको भी बना सकते आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ओके, बाय बाय।